नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मध्य प्रदेश सरकार के चौथे कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने पर भांडेर विधानसभा 21 की विधायक रक्षा शांताराम सरोनिया एवं जिला महामंत्री भाजपा हीरू तिवारी ने प्रेस वार्ता करके अपने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया और साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी। इसी पर भांडेर विधायक ने वर्ष 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार के नेतृत्व वाली सरकार ने मध्य प्रदेश को जिस हालत में छोड़ा था उस स्थिति की कल्पना करना भी आसान नहीं है। उसी तारतम्य में 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने नई कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया था, जैसे संबल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तीर्थ दर्शन योजना आदि को बंद कर दिया था। दोबारा से भाजपा सरकार बनने पर सभी योजनाओं को शुरू किया गया है। हमारी सरकार गरीब किसानों की सरकार है। मध्य प्रदेश सरकार ने अब ठाना है रेत माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, नशा फैलाने वाले माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है। इस संबंध में तत्कालीन मुख्य सचिव का एक पत्र मौजूद है जिसमें इस प्रकार की शिकायतों का उल्लेख है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए आलोक शुक्ला की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चौथी बार सरकार जो बनी है, जिसके अब दो वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, वो दो वर्षों में जनता के मूलभूत सुविधाओं को काम देने का काम हमारे शिवराज सिंह जी ने किया है। और जो 15 महीने कमलनाथ की सरकार ने जो जनता की छोटी छोटी सी जो योजनाएं थी, जनहितैषी योजनाएं थी, जिनको बंद कर दिया था, उन्हें पुनः लागू करके पूरी तरह से उन्हें स्थापित किया है। और उनका उद्देश्य ये रहा है दो साल में कि जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभान्वित करने का, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेशों की सरकार हो, वो काम कर रहे हैं। और इसी संबंध में आज हमारे यशस्वी लोकप्रिय विधायक श्रीमती रक्षा शांताराम सरोनिया जी ने स्थानीय विश्राम गृह पर प्रेस वार्ता बुलाई थी, जिसमें आप सभी महानुभाव आमंत्रित हुए थे। आप सभी लोगों का उनका भी आपने वर्जन लिया है, उनकी प्रेस वार्ता हुई है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी है जो व्यक्ति को मूलभूत सुविधाओं को बहाली करके उनके स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रहने की, खाने की, पीने की और चिकित्सा सुविधा देने का काम कर सकती है। बाकी पार्टियां तो सिर्फ सपना दिखाकर उनको जनता को लूट के अपना वोट बैंक लेके अपना घर भरने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों की पार्टी है और चाहे वो पीड़ित हो, शोषित हो, किसी भी समाज के हो, हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगी कि उनके कार्यकाल में ऐसा काम जो 60 और 65 साल में नहीं हुआ, जो मुख्यमंत्री सीएम साहब के इस कार्यकाल में हुआ। और मैं योगी जी को भी बधाई देती हूँ कि बहुत अच्छी सरकार बनी है और बहुत अच्छे 5 साल में उन्होंने काम किए थे और आगे चल के ये 5 साल भी बहुत अच्छी करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये पूछना चाहते हैं कि इस बार स्लोगन आ रहा था बीजेपी सरकार, अब स्लोगन न्यूज चैनलों पर चलाया जा रहा है बुलडोजर सरकार, इस संबंध में 2 शब्द आप बोले। जहाँ गुंडा राज चलता है वहाँ बुलडोजर तो चलता ही। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।